ओम शांति। एक पेंसिल बनाने वाला व्यक्ति जब उसकी एक नई पेंसिल बन जाती है तो सोचता है इस पेंसिल को बॉक्स में डालने से पहले, पैकिंग से पहले कुछ शिक्षा दी जाए। पेंसिल जैसे कि उसकी बेटी है या उसकी रचना है, और वो रचना अब संसार में जाने वाली है, तो जब वो संसार में जाए तो कुछ शिक्षाएं वो उसको देता है, उस पेंसिल को। तो वो उस पेंसिल को कुछ बातें समझाता है वो व्यक्ति। और सबसे पहली बात, पांच बातें उसको बताता है कि तुम्हें अपने जीवन में ये पांच बातों को पालन करना है या पांच बातें याद रखनी है। उस पेंसिल को ऐसी शिक्षाएं देता है। सबसे पहली चीज वो उस पेंसिल से कहता है कि तुम्हें यदि महान पेंसिल बनना है तो किसी के हाथ में स्वयं को सौंपना पड़ेगा। पेंसिल को स्वयं को किसी के हाथ में सौंपना पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छी पेंसिल बन सकती हो। क्योंकि जब तक तुम किसी के हाथ में नहीं, तुमसे लिखा भी नहीं जाएगा। तो तुम स्वयं को क्या कर दो, सौंप दो किसी के हाथ में। ये पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा वो अपनी पेंसिल को देता है कि तुम्हारे जीवन की यात्रा में, किसके जीवन की, पेंसिल की, तुम्हें कई बार छीला जाएगा, और वो जो शार्पनिंग एक्सपीरियंसेस होंगे वो तुम्हें एक उत्तम पेंसिल बनाएंगे। इसलिए दुखी मत होना यदि कोई तुम्हें छीलने लगे, तेज करने लगे, शार्पन करने लगे, या शार्पनर में डाल के तुम्हें शार्प करने लगे। तो दुखी मत हो जाना, क्योंकि जब जब तुम्हें शार्पन किया जाएगा और जब जब तुम्हें छीला जाएगा, तुम और ही लिखने के काबिल बनोगी। ये दूसरी शिक्षा देता है। तीसरी शिक्षा, हमेशा याद रखना कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। पेंसिल ऐसी होती ना, जो महत्वपूर्ण है वो अंदर है, जो बाहर दिखाई दे रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमेशा याद रखना अपनी जीवन यात्रा में जो महत्वपूर्ण है वो अंदर है, इस बात को कभी ना भूलना। ये तीसरी शिक्षा। चौथी शिक्षा वो देता है, तुम कभी लिखना, चलना नहीं, चलना रोकना नहीं, कभी भी निरंतर चलते रहना, निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं। जितना चलोगे उतना तुम्हारे द्वारा कल्याण होते जाएगा। और पांचवी शिक्षा देता है वो उस पेंसिल को, यदि चलते चलते तुमसे कुछ गलती हो गई तो तुम गलतियों को ठीक भी कर सकती हो, क्योंकि पेंसिल है ना, पेंसिल का लिखा मिटाया जा सकता है। तो यदि तुमसे कुछ गलती भी हो गई तो तुम क्या करना, ठीक कर देना। तो ये पेंसिल, ये पांच शिक्षा है, अपने मालिक की सुनती है और अपनी जीवन यात्रा आरंभ करती है। कितनी अच्छी शिक्षा है दी एक पेंसिल को उसके मालिक ने। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं, तेरी शिक्षाएं और तेरा प्यार, तो तूने जो शिक्षाएं दी वो जीवन भर साथ निभाते हैं। तो
तो बाबा भी हमें श्रेष्ठ शिक्षाएं देता है। गहरी गहरी पॉइंट्स, डीप डीप पॉइंट्स। आज की मुरली में कहा ना, बाप तुम्हें डीप पॉइंट्स सुनाता है, और नई नई पॉइंट निकलने वाली है आगे, पर जो सर्विसेबल है केवल वही पकड़ सकेंगे, जो सर्विसेबल नहीं वो पकड़ नहीं सकेंगे। आज की साकार मुरली यहां बहुत डीप पॉइंट सुनाई जाती है तुमको, तो बाबा भी हमें श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, और उसकी जो यथार्थ मत है, उसकी जो श्रेष्ठ मत है, उसे श्रीमत कहते हैं, और वही श्रीमत श्रेष्ठ नीति है, वही श्रीमत श्रेष्ठ धर्म नीति है, वही श्रीमत श्रेष्ठ स्वराज्य नीति है। श्रेष्ठ नीति, धर्म नीति, यथार्थ नीति और स्वराज्य नीति है श्रीमत। तो कितना दिन हो गया, 4 कि 5, संडे को 5 दिन पहले अभी अभी जो चली मुरली है उसमें बाबा ने श्रीमत को श्रेष्ठ नीति कहा है। तो आज हम ये जो मुरली रह गई थी रिवाइज करनी, उसकी हम कुछ बातें देखेंगे। उसमें मुख्य 7 बातें हैं। पहली 1 बात, फिर 2 बातें, 2 में, 3 में 3 बातें, 4 में 4 बातें, 5 में 5 बातें, 6 में 6 और 7 में 7। कितने हो गए? 1 अर्थात 1 श्रेष्ठ नीति, 1 श्रेष्ठ नीति। बाबा ने कहा ये जो नीति है सर्वश्रेष्ठ नीति है, श्रीमत ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, इससे ऊपर और कोई नीति ही नहीं है। तुम भी राजनेता हो, वो भी राजनेता है, तुम स्वराज्य नेता हो, ये तुम्हारी अलौकिक राजनीति है, स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स, यू आर स्पिरिचुअल पॉलिटिशियंस, स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी। तो वो उनकी नीति है, ये श्रीमत ही सबसे बड़ी नीति, सबसे बड़ा पैतरा, राजनीतिक दावपेज, उधर दावपेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल सिद्धांत राजनीति का। तो बाबा ने कहा 1 श्रीमत, बस इस श्रीमत को ही समझते रहना है, श्रीमत है क्या, और गहरी गहरी श्रीमत है, डीप श्रीमत है, जैसे कहा ना आज, नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, जो सर्विसेबल है वो पकड़ सकेंगे, डीप पॉइंट्स, डीप ज्ञान की पॉइंट्स। 1 श्रीमत, 1 नीति, नवनीति, यह सबसे पहली बात। दूसरा, 2 दिव्य दरबार देखे, कौन से, मुरली की शुरुआत, कौन से दिव्य दरबार, 2 दिव्य दरबार, 1 तो अभी का दरबार स्वराज्य का, और दूसरा विश्व का दरबार, डबल नशे, 1 अभी का 1 भविष्य का, डबल अधिकार, 1 अभी का और 1 भविष्य का। तो 2 दिव्य दरबार, हम दरबार में है, दरबार में कौन कौन सी चीजें होती है, 1 राजा, कर्मचारी, मंत्री, सिंहासन, और क्या होता है, रॉयल, क्या, नहीं सिंहासन, एक दरबार में क्या क्या चीजें होती है, कारपेट, सभागार, मंत्रिमंडल, अच्छी अच्छी, वो सिंहासन हो गया ना, विद्वान लोग होते हैं, दरबारी होते हैं, क्या होता है, झूमर, क्या होता है, छत्र,
और दो दास दासी सिक्योरिटी स्पीकर पुराने जमाने के दरबार कैसे होते हैं पहरेदार पहरेदार और दरबार में क्या क्या होता है दरबार में चीजें क्या क्या होती है किस प्रकार का दिन भर में कार्रवाई होती है वहां न्याय दिया जाता है दरबार में सुनवाई होती है दरबार में हाँ राज दंड दंड दिए जाते हैं सारे दंड न्याय विधान राज दरबार में होता है और समाचार की लेन देन होती है और राज दरबार में कोई पकड़ के किसी गुप्तचर को लेके आया जाता है कि ये हमारे देश की गुप्तचरी कर रहा था और निर्णय राजगुरु होते हैं विद्वान होता है विदुषक होता है एक और क्या हो जाता है सजेशंस राय की लेन देन होती है और राज कवि होती है राज नर्तकी होती है जो सबका मनोरंजन भी करती है करते हैं और कोई नई चीज होती है तो लेके आता है भाई हमने ये ढूंढा है हमने ये किया है कोई अपनी याचना लेकर आता है कोई कुछ भीख मांगने आता है कोई अपनी तकरार या कोई अपनी कंप्लेंट लेकर आता है और राज दरबार में क्या होता है शासन हाँ राजा की वाहवाही भी होती है राजा की महिमा भी होती है सौगात की लेन देन होती है इनाम दिया जाता है राज दरबार में दंड और इनाम दोनों दिया जाता है और बड़े बड़े राजा जो थे कृष्ण देव राय विक्रमादित्य इनके राज दरबार में क्या होता था प्रोटोकॉल कभी कभी इमरजेंसी मीटिंग भी होती थी राजा को रात में कोई स्वप्न आ गया तो रात में ही बुलाएगा सबको सब आ जाओ मुझे अभी अभी ये स्वप्न आया क्या किया जाए स्वप्न में देखा एक काली छाया ने कहा कि मैं मृत्यु हूं तुम्हें कल मारूंगी क्या करना चाहिए तो लोग सजेशन देते तुम ऐसा करो यहां से दूर कहीं भाग जाओ सबसे तेज घोड़ा लेकर तो हो सकता है कि तुम बहुत दूर निकल जाओ राजा सबसे तेज घोड़ा लेकर इतना भागता सुबह से भागना चालू करता है अपने राज्य की सीमा को पार कर दूर कहीं पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर लंबी सांस लेता है तो पीछे से कोई हाथ रखता है वो कहता है मैं काली छाया मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम धन्यवाद इस घोड़े को मुझे तो यकीन ही नहीं था तुम इतना देर में पहुंच जाओगे इतना दूर तो राजा को गलत सजेशन देने वाले भी बहुत होते राजा के दरबार में चाटुकार होते खुशामद करने वाले वाहवाही करने वाले राजा की अंदर एक बाहर दूसरे ट्रेटर भी होते हैं बैठे वहां पर शत्रु देश के ट्रेटर राज के दरबार में बैठे होते हैं जो कि और कुछ कुछ तो वो भी होते हैं कि इस ताक में इस फिराक में है कि कब राजा मर जाए और मैं बैठ जाऊं और कभी कभी ये भी होता है कि षड्यंत्र करके अपने बाप को मार देते या बंदी गृह में डाल देते और खुद बैठ जाते तो षड्यंत्र भी राजमहल में जन्म लेते हैं सब कुछ राज दरबार में होता है बाबा ने कहा बाप दादा आज दिव्य दरबार देख रहे हैं तो हमारा भी ये दरबार है ये भी दो दरबार है एक तो वो दरबार जो आएगा जो भविष्य में एक ये दरबार जो यहां का है तो यहां पर भी अच्छा यदि कोई काम करे मन मंत्री तो उसको थोड़ा पारितोषिक भी देना चाहिए अगर वो कुछ गलती करे कभी कभी कारागार में डाल देना चाहिए और कभी कभी माफ भी कर देना चाहिए कभी उत्सव का दिन होता है ना तो राजा क्या कहता है आज जितने बंदी है सौ बंदियों को मुक्त कर दिया जाए राजा इतना खुश है बच्चा जन्म लिया है इतने सालों के बाद बंदी सब सबको मुक्त कर दो तो राजकुमार का बर्थडे माफ तो ये हमारा राज दरबार है हमारे राज दरबार में कौन कौन बैठा है मैं राजा आत्मा कौन कौन बैठा है मन बुद्धि संस्कार ये तीन यहां बैठे एक मन बुद्धि संस्कार ये तीन और कौन बैठे हैं ये कर्मेंद्रिया पांच ज्ञानेंद्रिया ये दस इधर से बैठे हुए और कौन बैठा है पांच विकार एकदम पीछे है पांच विकारों को पीछे देखना बंदी गृह में वैसे बिल्कुल अभी उनको सजा सुनाई जाने वाली है और कौन है इसमें कुछ ट्रेटर भी बैठे हुए कुछ संस्कार जो धोखा देने वाले हैं जो देख रहे हैं कैसे धोखा दिया जाए कुछ इमोशंस है विदूषक के रूप में जो हमें बड़े हंसाते हैं और कुछ
पांच तत्व भी बैठे हैं प्रकृति के. प्रकृति के पांच तत्व, पांच विकार, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, तीन मंत्री, मैं आत्मा राजा, हाँ सात गुण भी बैठे हुए हैं, अष्ट शक्तियां भी बैठी हुई है. कितना बड़ा दिव्य दरबार लगा है. ऐसा दरबार रोज लगाओ कि सबको देख लेना, ये है मेरा दरबार, मैं आत्मा राजा हूं. और सबकी क्या 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 चल रहा है, उनका कार्य विधि कैसी है, शासन कैसा है, नियम कैसे है, सब कुछ रोज. दंड भी देना है थोड़ा थोड़ा अगर कोई गलती करता है तो. बाबा ने कहा ये दो दरबार है, तुमको डबल नशा चाहिए और ये दो अधिकार तुमको प्राप्त हुए है. तो टू अर्थात दो, उसके बाद में तीन, तीन अर्थात तीन धारणाएं. बिना इन तीन धारणाओं के सफलता प्राप्त हो नहीं सकती. धारणाएं तुम्हारी बहुत है, पर ये तीन मुख्य धारणाएं. कौन सी वो तीन धारणाएं बताई? एक है त्याग, एक है तप, एक है सेवा. त्याग किसका? ये तीन धारणाएं जिनको धारण करना है, और उसमें से पहली धारणा है त्याग. त्याग अर्थात हमें बाहर की किसी भी चीज का त्याग नहीं करना है. एक चीज का त्याग कर दो, उस त्याग में सारे त्याग समाये हुए हैं. ये जो देह का चोला है, ये जो गोदड़ी देह रूपी, उसमें जो आत्मा रूपी हीरा छिपा हुआ है और अदृश्य है, बस इस देह रूपी चर्म चोली चोला, इसी का त्याग है. तो सबसे बड़ा त्याग तो है देहभान का त्याग, मैं का त्याग, हद का त्याग, मैंने किया, मैं करता हूं, ये चीज का त्याग. यही सबसे बड़ा त्याग है. बाबा ने कहा इस ये त्याग कर दो. इस त्याग में बाकी सारे त्याग समाये हुए हैं. फिर जो स्थूल त्याग है बहुत सारे अपने आप आ जाएंगे. और कोई वो करे और ये ना करे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं है. संसार में भी करते हैं ना लोग, आज की मुरली में है, वो लोग विकारों का संन्यास करते, उनकी भी कमाल. भले आत्मा परमात्मा को जानते नहीं है पर विकारों की का संन्यास करते हैं, उनकी भी कमाल, उनकी भी कमाल है. वो भी थमा रहे हैं भारत को. तो त्याग और तीव्र पुरुषार्थ, आत्मा जितनी आगे बढ़े उसका त्याग भी सूक्ष्म होना चाहिए. तीव्र पुरुषार्थियों का प्रॉब्लम तीव्र पुरुषार्थ नहीं है. क्या है फिर? तीव्र पुरुषार्थियों का प्रॉब्लम है पुरुषार्थ का घमंड. तीव्र पुरुषार्थ का घमंड. कि हम कर रहे हैं ये नहीं करते कुछ, हम करते हैं मुरली चिंतन ये नहीं करते, हम पढ़ते हैं ये लोग नहीं पढ़ते, हम लोग उठते अमृत वेला ये सोते रहते हैं, हम लोग मुरली पढ़ते हैं, हम लोग बाबा की याद में खाते हैं ये नहीं खाते. वास्तव में पुरुषार्थ एक ही है, ये मैं का गिर जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है. ये मैं को कैसे गिरा है? क्या करे मंजू बहन नागराज भाई, क्या किया जाए? ये अहंकार तो 63 जन्मों का अहंकार है. इतना अहंकार है जब हम राजा थे तब से चालू है, तब भी कितने अहंकारी थे. वो तो सबको पता है निमित्त भाव, परंतु ये अहंकार बहुत ज्यादा है. बात बात में अहंकार है, अहंकार के पहाड़ खड़े है. ये सोचना आज के लिए होमवर्क कि निरंकारी कैसे बने. अब ये मत बोल देना निमित्त भाव और वो ट्रस्ट वो सब नहीं, दूसरा बताओ कुछ. क्या करे, क्या सोचे जिससे ये जो अहंकार है इतना ज्यादा, मैं को तेरा है समान, ये सब कुछ और बताओ कि ये जिससे प्रैक्टिकल में थोड़ा अहंकार, प्रैक्टिकल में क्या किया जाए? क्योंकि अहंकार तो हर एक में है और बहुत है. सेवा करने जाओ तो अहंकार पकड़ लेता है, कुछ भी करने जाओ तो अहंकार पकड़ता है. भाषण दो तो मैंने अच्छा भाषण किया अहंकार.
सेवा करने जाओ कोई भी, तो ये मैंने अच्छा बनाया, उसका अहंकार, हर बात का अहंकार, नस नस में समाया हुआ है। क्या करें इस अहंकार को मिटाने के लिए? पहला तो ये प्रश्न है, क्या ये अहंकार मिट भी सकता है? इज इट पॉसिबल? पहले यहां से चालू करो। ये सब बातें और शब्द है, अहंकार तो जस का तस है, बहुत है। जो जोर जोर से कहते हैं मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, उनमें तो बहुत अहंकार भरा होता है। निमित्तपन का भी अहंकार, अहंकार ही अहंकार है। क्या करें? इज इट पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ ईगो? प्रश्न है बहुत बड़ा। क्या करें? कुछ करें या कुछ निष्क्रिय हो जाए? क्या ये निरंकारी स्थिति है? कुछ करें ही नहीं हा? या ये सोचे कि सब मेरे से बहुत अच्छे हैं? हाँ, तब अहंकार को थोड़ी चोट लगती है। ये अभ्यास करना चाहिए, ये सब मेरे से महान योगी है, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या स्वयं को हीन भावना में डाल दे ताकि निरंकारी बने? क्योंकि अहंकार तो बहुत ज्यादा है। क्या करे? हीन भावना को थोड़ा प्रैक्टिस करे, हीन भावना की, मैं मूर्ख हूं, ये सब ज्ञानी है। क्या करे? ना 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 ना, देख ये भी अहंकार ही है जो कहता है कि मैं इनसे पीछे कैसे, पर अहंकार तो बहुत है। तो त्याग अहंकार का। दूसरा है तप, मैं हूं ही उसका, एकर स्थिति, कमालासन, यह है तपस्या। किसी के हाथ में सौंप देना, पेंसिल की पहली शिक्षा क्या थी? कि तुम स्वयं को किसी के हाथ में सौंप देना। तो स्वयं को करण करावन हार स्वामी के हाथ में सौंप देना। कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया बाबा ने, करण करावन हार स्वामी। करण करावन हार स्वामी हमने तो पहले नहीं सुना, इसी मुरली में है। तो उसके हाथ में स्वयं को सौंप देना, तो पेंसिल बहुत काम करेगी। तो तप। और तीसरा है, जब ये दो चीजें होगी तो सेवा होगी। अगर ये दो चीजें नहीं तो सेवा नहीं, ये दो चीजें नहीं तो नामधारी सेवाधारी, केवल नामधारी सेवाधारी, केवल नाम के बस, और कुछ नहीं। वास्तविक सेवा में त्याग चाहिए और तपस्या चाहिए, और एक तीसरी भी चीज चाहिए जो बाबा ने इस मुरली में तो नहीं कही, वैराग। कोई भी सेवा से पहले ये तीन चीजें चाहिए, उसके बाद ही सफलता हो सकती है, नहीं तो सफलता नहीं होगी। तो तीन में ये तीन बातें, अभी चार। चार में चार अधिकार। कौन कौन से चार अधिकार? कौन कौन से चार अधिकार? तुम्हारी अधिकार सूची बहुत बड़ी है बाबा ने कहा, लिस्ट बनाओ अधिकारों की, पर चार अधिकार मुख्य है। कौन से? पहले तुम परमात्मा संतान बने, पूजनीय माननीय श्रेष्ठ आत्मा बने, ये पहला अधिकार। दूसरा अधिकार ज्ञान, ज्ञान के खजानों के मालिक। तीसरा अधिकार सर्वशक्तियों के भंडार, और चौथा अधिकार कर्मेंद्रिय जीत। ये चार अधिकार है। तो ज्ञान का अधिकार, ज्ञान का चिंतन करते रहना और ज्ञान की अथॉरिटी बनना, इसमें भी अहंकार की बहुत संभावना है। कुछ भी करो, अहंकार तो खड़ा ही है। शक्ति या शक्तिशाली बनो, शक्तियों का अहंकार। गुणवान बनो, गुणों का अहंकार। कर्मेंद्रिय जीत बनो, मैं कर्मेंद्रिय जीत, इनका तो कंट्रोल ही नहीं है कुछ अपने आप पर। सब पापी तो ज्ञान का अहंकार ने, ज्ञान का अधिकार, शक्तियों का अधिकार, कर्मेंद्रिय जीत का अधिकार, और पहला माननीय। कल की मुरली में था ना, तुम ईश्वरीय संतान हो, यह ईश्वरीय विद्या है, यह ईश्वरीय पाठशाला है। तीन शब्द थे कल की मुरली में, साकार।
तो ये चारों अधिकार, तो एक एक अधिकार की क्या बनना, अथॉरिटी बनना, कर्मेंद्रियों को जीतना, राजा राजा बनना, ये दरबार लगाओ स्वराज्य का, तुम स्वराज्य नेते हो, तो ये राज, ये तुमको विद्या आनी चाहिए स्वयं के। अगर कोई राजा ऐसा है कि उसकी प्रजा ही उसको कंट्रोल करे तो उसको राजा कहेंगे, उसके दरबारी उसके ऊपर हावी हो जाए जैसे वो धृतराष्ट्र, उसकी सजा में उसके दरबार में वो कहता है विदुर कि एक आप ही हो जो कुछ बोलता नहीं और बाकी सब बोलते एक आप ही हो जो कुछ बोलते नहीं, इधर क्या क्या हो रहा है पर आप कुछ बोलते ही नहीं। तो चार अधिकार, उसके बाद में पांच, अब आप बताओ पांच कौन से, पांच बातें, पांच भविष्यवाणियां भारत के विषय में, पांच भविष्यवाणियां है भारत के विषय में। एक समय आएगा बाबा ने कहा कि धर्म नीति और राजनीति एक हो जाएगी, और पांच चीजें बताई इस भारत, भारत के नेताओं की भी महिमा की, उनकी भी लगन है, उनकी भी तो मेहनत तो करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न तो करते हैं राजनेता। तो सबसे पहली भविष्यवाणी भारत की जय जयकार होगी, एक समय आएगा भारत की जय जयकार होगी, जो 15 अगस्त 2018 नरेंद्र मोदी जी का भाषण था उसमें उन्होंने सुब्रमण्यम भारती को कोट किया था उस भाषण में, और कहा था कि सुब्रमण्यम भारती जो बहुत बड़े लेखक कवि थे, उन्होंने कहा है कि एक समय आएगा जब भारत विश्व को सभी बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाएगा, एक समय आएगा जब भारत सारे विश्व को सभी बंधनों से, ऑल शैकल्स, सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग भारत दिखाएगा। तो भारत की सबसे पहली भविष्यवाणी बाबा ने कहा जय जयकार होगी। दूसरा, भारत लाइट हाउस बन जाएगा, भारत क्या बनेगा, विश्व गुरु और लाइट हाउस बनेगा। तीसरी भविष्यवाणी भारत के विषय में, सबकी दृष्टि भारत की तरफ चली जाएगी, सारी, इतना छोटा सा है भारत विश्व की दृष्टि से देखो तो, है क्या वो? तो सबका अटेंशन भारत की तरफ चले जाएगा। और चौथा बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग, विश्व के लिए प्रेरणा पुंज बनेगा भारत, क्या बनेगा भारत, विश्व के लिए प्रेरणा पुंज बनेगा, पुंज प्रकाश, प्रकाश का बिंदु, तो भारत विश्व के लिए प्रकाश बिंदु प्रेरणा पुंज बन जाएगा। और लास्ट, भारत अविनाशी खंड है, भारत परमात्मा अवतरण भूमि है, अवतरण भूमि है, अविनाशी खंड है, यह भी सबको पता चल जाएगा। तो ऐसी पांच भविष्यवाणियां भारत के विषय में बाबा ने की, भारत की जय जय कार होगी, भारत का क्या बन जाएगा, भारत लाइट हाउस बन जाएगा, और प्रेरणा, सबकी दृष्टि भारत की तरफ जाएगी, चौथा विश्व के लिए प्रेरणा पुंज बनेगा, और भारत अविनाशी खंड है, अवतरण भूमि है। ये जो नॉस्ट्रेडेमस था फ्रांस का, उसने एक भविष्यवाणी की है भारत के विषय में, उसकी किताब में, भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा, नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी है, भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा, एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका, एक महान व्यक्तित्व भारत में जन्म लेगा और शांति दूत के रूप में उसकी ख्याति होगी, पूर्व के सभी राष्ट्रों पर वो हावी हो जाएगा, वह लोगों में धर्म बांटेगा, एशिया का वह शांति दूत जब रक्तपात, भूकंप, बीमारियां, अकाल, युद्ध और भय से मानवता बेहाल होगी, तब वह मानव धर्म, मानव प्रेम का संदेश सबको सुनाएगा, उसके संदेश को सुनने के लिए सब विवश होंगे। यह नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी है। एक और भविष्यवाणी है एंडरसन, जो कि बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था अमेरिका का, उसने कहा कि भारत के एक छोटे से देहात में, भारत के एक छोटे से देहात में जन्मा एक परम धार्मिक व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, जनता उसे बहुत मानेगी, वह व्यक्ति समस्त विश्व के लिए आदर्श संविधान का निर्माण करेगा,
संविधान के अनुसार सारे विश्व की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडा आदि का विधान होगा। इस व्यक्ति के प्रभाव से सारे विश्व में एक अपूर्व सुख शांति छा जाएगी और मनुष्य के में संयम, सदाचार, त्याग, नीति, मानवता, सहिष्णुता आदि गुणों के को जीवन में उतारने की होड़ लग जाएगी। भारतवर्ष का महापुरुष अपने अपूर्व प्रेम व महानता से सारे विश्व को परम सुखदायी स्वरूप में परिवर्तन कर देगा। ये भविष्यवाणी है जो कि लोगों ने कर रखी है। और एक ये स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ कि उन्होंने नव भारत की परिकल्पना की है कि नव भारत जो होगा कैसा होगा। लेट न्यू इंडिया राइज आउट ऑफ द पेजेंट्स कॉटेज, ग्रास्पिंग द प्लाउ, आउट ऑफ द हट्स ऑफ द फिशरमैन, द कॉबलर एंड द स्वीपर। लेट हर स्प्रिंग फ्रॉम द ग्रोसर शॉप, फ्रॉम बीनीथ द ओवन ऑफ द फ्रिटर सेलर। लेट हर इमानेट फ्रॉम द फैक्ट्री, फ्रॉम मार्ट्स, फ्रॉम द मार्केट्स। लेट हर इमर्ज फ्रॉम ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट, फ्रॉम हिल्स एंड माउंटेन्स। स्केलेटन्स ऑफ द पास्ट देयर बिफोर यू आर यूर सक्सेसर, द इंडिया दैट इज टू बी। भारत जो जन्म लेगा कहां से जन्म लेगा? गरीब की झोपड़ी से जन्म लेगा। भारत जो जन्म लेगा कहां से जन्म लेगा? उस किसान के घर से जन्म लेगा जिसने हाथ में हल खड़ा लेके रखा है। भारत जो नया जन्म लेगा कहां से जन्म लेगा? वो दुकानदार की दुकान से जन्म लेगा। भारत जो जन्म लेगा फैक्ट्री से जन्म लेगा, मार्ट से जन्म लेगा, वो मंडी से जन्म लेगा, उन कंदराओं से जन्म लेगा, उस जंगलों से जन्म लेगा, उन पर्वतों से जन्म लेगा। ऐसा एक नया भारत जन्म लेगा और ये जो भारत है ये नष्ट होगा और एक नया भारत खड़ा होगा। तो भारत की भविष्यवाणियां पांच। भारत की जय जयकार सारे विश्व में। लाइट हाउस बन जाएगा भारत, सब लाइट लेने के लिए भारत में आएंगे। अंधकार छा जाएगा सारे विश्व में, विकारों का अंधकार। अमेरिका और ये सारे देश है वहां पर इतना विकार है, इतना विकार। अभी अभी एक भाई आया था, वो कह रहा था जितना विकार भारत में है वो तो 20% भी नहीं है अमेरिका के, इतना विकार है वहां पर। संस्कृति ही विकारों की है, भारत में तो कुछ है ही नहीं। यहां जब था तो अच्छा पुरुषार्थ करता था, जब से वहां गया पहला साल तो बहुत गलतियां हो गई। अभी दो साल से थोड़ा ठीक चल रहा है, जब कुमार वगैरह मिले, थोड़े संग मिला कुमारों का। बाकी लाइट हाउस बनेगा भारत। अगला, सबकी दृष्टि भारत पर जाएगी, भारत सारे विश्व के लिए प्रेरणा पुंज बनेगा। और पांचवा, भारत अविनाशी खंड है, ये सबको पता चल जाएगा। तो ये पांच चीजें, उसके बाद में छह चीजें, कुमारों से मुलाकात, छह बातें। कुमारों से मुलाकात में छह चीजें। सबसे पहले कुमारों को शक्तियां और खजाने जमा करने और बांटने हैं। कुमारों को क्या करना है? शक्तियां और खजाने जमा करने और बांटना है, ये महत्वपूर्ण काम करना है। उसके बाद में एक, सदा ये सोचो मैं भाग्यवान हूं, सदा ये सोचो मैं भाग्यवान, भाग्य की बात। और अगली जो चार बातें हैं वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में। सदा बिजी रहो, कुमारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिजी रहो। बिजी रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की मुरली में कंस्ट्रक्शन भी तुम करते हो, डिस्ट्रक्शन भी तुम ही करते हो। तो कुमार कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो, जब डिस्ट्रक्शन करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा उनको। कुमारों का डिस्ट्रक्शन खतरनाक होता है, सारी व्यवस्था को, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, सब अस्त व्यस्त कर देंगे। कुमारों में इतना पावर, इतनी इतनी शक्ति होती है, धूम मचा देते हैं संसार में। तो कुमारों को क्या करना है? बाबा कह रहे बिजी रहो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टेबल बनाओ, बुद्धि का टाइम टेबल। जैसे वो टाइम टेबल बनाते हो वैसे ये टाइम टेबल बनाओ, नहीं तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ बनना है तो टाइम टेबल बनाओ, किसका? बुद्धि का। बुद्धि को टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद में बैलेंस रखो यादव सेवा का। और लास्ट पॉइंट, ब्लेसिंग। तो ये चार इंग्लिश शब्द बाबा ने प्रयोग किए, बिजी रहो,
टाइम टेबल बना दो, बैलेंस रखो, अति में नहीं जाना है, क्योंकि मनुष्य का मन है अति में जाने के लिए लालायित रहता है, अति सर्वत्र वर्जते, जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम इधर जाता है इधर जाता है, जब इधर जाता है वो शक्ति जमा कर रहा है उधर जाने की, एकदम ब्रह्मचर्य में जाता है, ब्रह्मचर्य में ज्यादा जाने के बाद अब्रह्मचर्य को खींचता है उसको, अब्रह्मचर्य जाने के बाद में फिर ब्रह्मचर्य खींचता है, फिर बहुत विकारों के में जाने के बाद में एकदम सोचता है अरे सब छोड़ो ये सब, बहुत दुख है इस विकारों में, फिर एकदम से इधर आ जाता है, इधर आने के बाद फिर खालीपन महसूस होता है तो फिर उधर जाता है, इधर और उधर भटकते रहता है, बीच में रुक जाए वो बैलेंस, और ये बैलेंस ही उसको इन दोनों इससे मुक्त कर देगा, फिर ये जो संघर्ष है इस संघर्ष से ही मुक्त कर देगा विकारों के, वो सबसे परे निकल जाएगा अपने आप। तो बिजी, टाइम टेबल, बैलेंस और ब्लेसिंग, ये चार बातें और दो चीजें बताई थी। छह में सबसे पहले कुमारों को शक्तियां जमा करनी है, खजाने जमा करने और क्या करने, बांटने, क्योंकि जमा करो और बांटो, जमा करो और बांटो, इससे ही बढ़ेंगे। और दूसरी बात बताई, ये ना भूलो कि मैं बहुत भाग्यवान हूं। क्यों भाग्यवान है कुमार, क्यों भाग्यवान है कुमार, भगवान से बच गए क्यों भाग्यवान है, फालतू झंझट है और लफड़ों से मुक्त है ना निर्बंधन, कोई बंधन नहीं है किसी भी बात का, आगे नाथ ना पीछे, ना पीछे पगार, रस्सी पगार, ओके। तो निर्बंधन जीवन है, इसके लिए बंधने का, गुलामी का संकल्प नहीं करना, जो है ऑलरेडी बंध गए वो बंध गए। अब लास्ट बात, सात बातें, गुजरात के सीएम से मुलाकात, यहां पे सात बातें, निमित्त भाव के की सात बातें, निमित्त भाव या ट्रस्टी, वो पूरी बात है ट्रस्टी की। सबसे पहले निमित्त भाव क्या करता है, फलदायक है, निमित्त भाव क्या करता है, प्रत्यक्ष फल भी देता है और भविष्य फल भी देता है, ये पहली निमित्त भाव के फायदे। दूसरा, निमित्त भाव आगे बढ़ाता है, निमित्त भाव उन्नति कराता है, निमित्त भाव आगे बढ़ाता है, निमित्त भाव उन्नति कराता है। तीसरा, निमित्त भाव जो होता है उससे शुभ भावना, शुभकामना जागृत होती है, ये बड़ा नया शब्द पॉइंट लगा, निमित्त भाव से क्या होता है, शुभ भावनाएं जागृत होगी, बाबा ने कहा शुभकामनाएं जागृत होगी। चौथा, निमित्त भाव है उसमें करण करावनहार स्वामी है, वो करा रहा है तो कर्म श्रेष्ठ ही होंगे, निमित्त भाव अर्थात पेंसिल ने खुद को सौंप दिया है उसके हाथ में, अब उससे श्रेष्ठ कार्य होंगे, निमित्त भाव अर्थात। पांचवा, निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होंगी, निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी, अगर निमित्त भाव है तो जो डिसीजन पावर है बड़ी अच्छी होगी। छठवा, निमित्त भाव है तो हल्कापन होगा, भारी कब होता है, जब मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे से पूछ के किसने बोला तुमको ये करने के लिए, मेरे से पूछा गया, मेरे से पूछे बिल्कुल कुछ मत करना तो भारीपन छोटी छोटी बातें पूछते हो कुछ तो, अब तो सीखो अपना दिमाग तो यूज करो, कब तक मेरे भरोसे चलोगे कल मैं नहीं होगा तो तुम क्या करोगे कब बढ़ोगे तुम। जब भी दुर्योधन कोई भी बात कहता है तो शकुन एक ही बात कहता है, प्रिय दुर्योधन तुम बड़े कब होंगे आखिर तुम कब तक बच्चा रहोगे, मैं कब तक तुमको सिखाते रहूं सातवां, यही सबसे श्रेष्ठ नीति है, यही सबसे श्रेष्ठ नीति है, कौन सी, ट्रस्टी, निमित्त, यही सबसे श्रेष्ठ नीति, और सारा विश्व भारत से यह नीति कॉपी करेगा, यही सबसे श्रेष्ठ राजनीति है। तो दो नीति सबसे श्रेष्ठ बताई पूरी मुरली में, एक तो निमित्त और दूसरा श्रीमत। तो ऐसी ये सात चीजें थी, फिर से रिवाइज करते हैं, फर्स्ट श्रीमत, एक श्रीमत एक शिक्षा,
उसको धारण करना है, उसको पालन करना है। दूसरा बताया दूसरा दो दरबार है यहाँ पर, दिव्य दरबार। तो रोज दरबार लगाना, जैसे अभी भव्य दरबार लगाया ना, इसमें और दो तीन लोगों को डाल सकते हैं एडिशन, सोच सोच के, और जिसको लाना है तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा त्याग तपस्या, तीन धारणाएं, त्याग तपस्या और सेवा। चौथा चार अधिकार, कौन से अधिकार? ज्ञान, डीप ज्ञान के अधिकार। आज की मुरली में इंग्लिश शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, डीप डायरेक्शंस। बाप तुम्हें क्या देते हैं? डीप डायरेक्शंस देते हैं। तो डीप डायरेक्शंस को समझना है उसके। तो ज्ञान की अथॉरिटी, शक्ति और परमात्मा संतान, श्रेष्ठ माननीय पूजनीय, और लास्ट वाला कर्मेंद्रिय जीत। तो थोड़ा थोड़ा कर्मेंद्रिय को जीतना है, जो कर्मेंद्रियों को करने की आदत हो गई है वो आदत को थोड़ा सा समेटना है। संयम योगी की निशानी है, थोड़ा सा संयम करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो संयम। उसके बाद में नेक्स्ट पांच भविष्यवाणियां, भारत की जय जयकार, भारत लाइट हाउस, सबकी दृष्टि भारत की ओर, भारत प्रेरणा पुंज और भारत अविनाशी खंड अवतरण भूमि है, ये सबको पता चल जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियां बताई एंडरसन की और नॉस्ट्राडेमस की और विवेकानंद, इन्होंने भारत के विषय में बहुत सारी चीजें कही है। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने भारत के विषय में भविष्यवाणियां कर रखी है। उसके बाद में कुमारों को जमा करना है और बांटना है, एक। दूसरा, मैं भाग्यवान हूं, ये निरंतर याद रखना है। इतना भी याद रहा तो हो भाग्य, यही भूल जाते आज की मुरली में भी, यही भूल जाते। ये संगम युग है, याद पाप पुण्य है, याद को छोड़ देना पाप है। कुमार अर्थात आज की मुरली में है, संपूर्ण काम को तुम्हें जीतना है तभी जगत जीत बनोगे। इस काम को संपूर्ण रीति से जीतना है। ये क्रोध और लोभ ये तो सब दो नंबर और तीन नंबर है। नंबर वन है काम, बस इसी को जीत लो। तो ये खास कुमारों के लिए। उसके बाद में बिजी रहो, टाइम टेबल बनाओ, बैलेंस रखो और ब्लेसिंग प्राप्त करो। उसके बाद में निमित्त भाव की सात बातें। पहला, निमित्त भाव होगा तो क्या होगा? निमित्त भाव होगा तो क्या होगा? उन निमित्त भाव होगा तो क्या होगा? निमित्त भाव होगा तो क्या होगा? प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल दोनों मिलेगा, पहला। दूसरा, उन्नति होगी और आगे बढ़ेंगे। तीसरा, शुभ भावना शुभकामना जागृत होगी। चौथा, करण करावन हार स्वामी करा रहा है तो कर्म श्रेष्ठ ही होंगे। फिर निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। फिर हल्के रहेंगे, हल्कापन आएगा, जो आज भी कहा, आज का जो पुरुषार्थ है हल्का, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। और लास्ट, श्रेष्ठ नीति होगी। तो ऐसी ये कितनी बातें हो गई? 28। तो इस तरह से ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, ज्ञान की बातों में रमन करते रहना है सारे दिन भर। ओम शांति। Thank you.
जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण, एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन, अमृत वाणी बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष।